वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये देखिए, ये जो मैं गार्लिक चीज़ ब्रेड कट कर रही हूँ ना, चीज़ गार्लिक ब्रेड, ये मैं कोई मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, मैं कोई डोमिनोज नहीं गई थी, मैंने इसे घर में बनाया है। और आप इसे बहुत ही मतलब आसान तरीके से बना सकते हैं, ये गर्मा गर्म बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है खाने में भी। तो चलिए फिर आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो फुल वॉच करिए, वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम इस गार्लिक ब्रेड को घर में बनाने वाले हैं। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और आप इसे बिना किसी ईस्ट के मतलब बना सकते हैं घर में। घर की नॉर्मल सी चीज़ों से ना आप इस चीज़ी ब्रेड को बना सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं रेसिपी को। डोमिनोज स्टाइल चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है मेज़रमेंट के लिए। आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी से आपको 1/2 कप दही ले लेना। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही ले लिया है। और यहाँ पे आपको मिक्सर ओरिगैनो ले लेना है, चिली फ्लैक्स लेना है, तो मैंने यहाँ पे चिली फ्लैक्स ले लिया है। चीनी मैंने 1 चम्मच लिया है, यानी कि 1 टेबल स्पून। और आपको चाहिए बेकिंग पाउडर, तो ये भी मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। और 1/4 टेबल स्पून हमें यहाँ पे डालना है बेकिंग सोडा। इसके अलावा आपको चाहिए चीज़, और चीज़ आप इस तरीके से क्यूब वाला भी ले सकते हैं, और इस तरीके से स्लाइस भी ले सकते हैं। इसे आपको कट करना पड़ेगा बारीक बारीक, या ये है तो इसे आपको ग्रेट करना है। और यहाँ पे आपको चाहिए बटर, और चाहिए हमें नमक। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक गार्लिक ब्रेड बटर रेडी करना होगा। तो ये देखिए, बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। अब एक कटोरी में इसे ले लेंगे, और इसमें या तो कटी हुई या तो बिल्कुल बारीक चॉप्ड की हुई या ग्रेट की हुई गार्लिक को डाल देना है आपको। और इस बटर में हम थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और मिक्स हर्ब ओरिगैनो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमारा ये गार्लिक बटर बिल्कुल तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, हमने मैदा ले लिया है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे खाने का सोडा 1/4 टेबल स्पून। अब 1 टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब इसमें ये 1/2 कप दही ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का गुनगुना पानी लेंगे, और थोड़ा थोड़ा डाल के डो को तैयार करेंगे। तो देखिए, ये जो डो है काफ़ी इस तरीके से दरदरा सा दिख रहा है, तो आप हल्का सा ये जो बटर तैयार किए हैं ना, इस पर डाल लीजिए, और इसे अच्छे से मसल लीजिए ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब डो को आप 2 पार्ट में कर लीजिए। इससे हम 2 चीज़ गार्लिक ब्रेड तैयार करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर भाग में 2 जगह आप इन्हें करके, और इसे कवर करके हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट में रख देते हैं। तो इसे हमने कवर कर दिया है 20 मिनट के लिए। तो देखिए, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है 20 मिनट, और मैंने एक तरफ एक गार्लिक ब्रेड को मैं कढ़ाई में बेक करूंगी, और एक को ओवन में बेक करूंगी। तो मैंने ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख छोड़ दिया है, और कढ़ाई को भी मैंने ढक के और लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, जिसमें कि हम इसे बेक करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे तैयार कर लेते हैं। तो सूखा मैदा लगा लेना है आपको डो में, और इसे फैला लेना है। याद रखिए, इसे आपको बहुत मोटा या बिल्कुल पतला नहीं करना है, हल्का ये मोटा ही रहेगा। तो इसे हम रोटी की तरह फैला लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर हम अपना गार्लिक बटर जो तैयार किए थे इसे लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको एक तरफ ऐसे चीज़ रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके का चीज़ डाला है, क्यूब्स वाला भी, और जो हमने स्लाइस लिया था उसे भी कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको रख लेना है। और देखिए, इसके ऊपर से मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डाल दिया है। अब इस तरीके से हम इसे, ये देखिए, ऐसे आपको कर लेना है इसे पैक, चारों तरफ से ऐसे इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है हाथों से। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आप चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम कट्स की तरह लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके। अब ऊपर से आपको फिर से इसमें लगा लेना है अपने इस गार्लिक बटर को ऊपर से अच्छे से, और इसे जिस भी ट्रे में आपको बेक करना है उसमें रख लीजिए। मेरे पास एक केक टिन है जिसमें कि मैं इसे बेक करने वाली हूँ, तो इसमें मैंने एक बटर पेपर रख लिया है। ऊपर से हम फिर से अपने इस बटर को अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है। आपका मन है तो ऊपर से आप और चिली फ्लेक्स ओरिगैनो इसके ऊपर भी डाल सकते हैं।
और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा ओवन गरम हो चुका है, प्री हीट हो गया है, तो इसमें हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो देखिए मैंने एक गार्लिक ब्रेड को ओवन में डाल दिया है बेक होने के लिए। अब दूसरे को हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे आराम से बना सकते हैं। सेम तरीके से इसे भी तैयार करेंगे, बस इसे बेक करने के लिए हम कढ़ाई में रखेंगे। तो बस जैसे पहला तैयार किए थे वैसे इसे भी रेडी कर लेंगे। अंदर के स्टफिंग में आप चाहें तो कॉर्न डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए। अगर ये सब डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे कट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। अब इसे हम इस तरीके से चिपका लेंगे। तो कढ़ाई भी गर्म है, अब इसमें रखेंगे। तो देखिए एक गार्लिक ब्रेड को मैंने इस तरीके से कढ़ाई में रख दिया है और ढक के रख दिया। इसे भी 20-25 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। देखिए 20 मिनट तक मैंने बेक कर लिया अपने चीज गार्लिक ब्रेड को, ये बिल्कुल के। और आप घर में बहुत ही बढ़िया तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ईस्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। यकीन मानिए आप इसे एक बार बनाइए, आप इसे बार बार बनाएंगे और इसे खाने के लिए आपको डोमिनोज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गर्मा गर्म है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। अभी हमारा दूसरा जो गार्लिक ब्रेड है वो अभी बेक हो रहा है, क्योंकि हमने उसे थोड़ा बाद में रखा था, वो कढ़ाई में है। तो वो जब बेक हो जाए तब हम उसे भी बाहर निकालेंगे। ये कढ़ाई वाला भी हमारा जो गार्लिक ब्रेड है तैयार हो चुका है, इसे हम बाहर निकालेंगे। और लुक वाइज आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है लुक वाइज। और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तो ये भी तैयार है। तो बताइए फिर कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आपको। तो चलिए फ्रेंड, जैसी भी लगी होगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।